सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे लेटेस्ट प्रेयर और बाइबल रीडिंग की वीडियोस देखने के लिए। आइए आज के वचन के लिए ब्रदर शारन प्रोचिया के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए। आपने परमेश्वर हमें संभाले रखा, आपने परमेश्वर बीती रात में हमें संभाले रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, आपका वचन हमें समझ आने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन पर परमेश्वर हमारा मन लगने पाए पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर अपने वचन को हमें समझाइए। इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके बेटे मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 17। टुडे वी विल रीड प्रोवर्ब्स चैप्टर 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मील बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। Better is a dry morsel with quiet than a house full of feasting with strife. बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। A servant who deals wisely will rule over a son who acts shamefully and will share the inheritance as one of the brothers. चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। The crucible is for silver and the furnace is for gold. And the Lord tests hearts. कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। An evil doer listens to the wicked lips and a liar gives ear to a mischief tongue. जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। Whoever mocks the poor insults his maker, he who is glad at calamity will not go unpunished. बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन आर द क्राउन ऑफ द एज्ड एंड द ग्लोरी ऑफ चिल्ड्रन इज देयर फादर्स। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। फाइन स्पीच इज नॉट बिकमिंग टू अ फूल, स्टिल लेस इज फॉल्स स्पीच टू अ प्रिंस। देने वाले के हाथ में घूस मोल लेने वाली मनी का काम देता है, ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। A bribe is like a magic stone in the eye of that one who gives it. Wherever he turns, be prosperous. जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends. एक धुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। An evil man seeks only rebellion, and a cruel messenger will be sent against him. बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। If let man a she bear robbed of her cubs rather than a fool in his folly. बच्चा छीनी हुई रिशनी से मिलता तो भला है, परंतु मूर्ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। If anyone returns evil for good, evil will not depart from his house.
जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर में बुराई दूर ना होगी। If anyone returns evil for good, evil will not depart from this house. झगड़े का आरंभ बांध के शेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। The beginning of strife is like letting out water, so quiet before the quarrel brings out. जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। Who he justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। Why should a fool have money in his hand to buy wisdom when he has no sense? मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। A friend loves at all time and a brother is born for adversity. निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। One who lacks sense gives a pledge and puts up security in the presence of his neighbor. जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। Whoever loves transgression loves strife, but who makes his door high seeks destruction. जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और जो उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। A man of crooked heart does not discover good, and one with a dishonest tongue falls into calamity. जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। He who sires a fool gets himself sorrow, and the father of a fool has no joy. मन का आनंद अच्छी पौधी है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घुस निकालता है। The wicked is accepts a bribe in the secret to prevent the ways of justice. बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देश में लगी रहती हैं। The discerning sets his face towards wisdom, but the eye of the fool are on the ends of the earth. मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। A foolish son is a grief to his father, but bitterness to her who bore him. फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। To impose a fine on a righteous man is not good, nor to strike, nor to noble for their uprightness. जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। Whoever restrains his word has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। Even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he'll demand demanded intelligent. Amen. आप सभी को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे आज की नाइट प्रेयर में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।